जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल के साथ आप नहीं जुड़े हैं और चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको रेड बटन दिखाई दे रही है, इसे दबाएँ और चैनल से जुड़ जाएँ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि साथ क्या जाएगा और ओवरऑल हम यहाँ से क्या ले जाएंगे, आज बात उस पर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखें और बातों को समझने की कोशिश करें, आप समझेंगे, बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। पहली बात कह देना चाहता हूँ कि हम धन भी बहुत कमाते हैं, हम शोहरत भी बहुत कमाते हैं, नाम कमाते हैं, ज़मीन जायदाद, बहुत से लोगों को ये जन्म से प्राप्त होती है, बहुत से लोगों को यहाँ मेहनत करके वो ये प्राप्त करते हैं। और ये यहाँ का रूटीन है, यहाँ हर व्यक्ति, कोई गरीब है तो गरीब से अमीरी की ओर जाएगा, या अमीरी है तो अमीर से मुफलसी की ओर आएगा। ये एक पूरा सर्कल है, जो कल अमीर था आज गरीब है, और जो कल गरीब था वो आज अमीर है। इन दोनों के बीच ये जो पूरा उलझा हुआ खेल है, यही माया है, यही माया का फिरका है, और इसी में हम उलझे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप काम मत करिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़मीन मत खरीदे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप शोहरत मत करिए, सब कुछ करिए, लेकिन इसके साथ साथ हर टाइम ईश्वर का जप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ईश्वर का जप करेंगे, बार बार ईश्वर का नाम लेंगे, वही हमारे साथ जाने वाला, जो मेन चीज़ हमारे साथ जाने वाली, हम उसको भूल कर जो साथ नहीं जाने वाली, उन सभी वस्तुओं को इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, हम सबके साथ ऐसा हो रहा है। मैं पर्टिकुलर आपको ये बात नहीं कह रहा हूँ, इस बात को मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। तो हो सके जितना अपने ईश्वर का स्मरण करें, चलते बैठते उठते फिरते, मतलब आपका टारगेट एक होना चाहिए कि ये तमाम चीज़ें दूसरी प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता जो मेरी है वो ईश्वर का स्मरण है, उसका नाम है, क्योंकि तो मेरे साथ आखिरी में तो वही जाना है, मौत शाश्वत सत्य है, आज नहीं तो कल आप या हमारी होनी तय है, साथ क्या जाएगा। और इसका मैं प्रमाण भी देता हूँ आपको कि मैं ये बात सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ, बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उठेगा। पहला प्रमाण यह है कि जब आप ईश्वर का स्मरण करेंगे, आप दुनिया में नेगेटिविटी की कोई कमी नहीं है, हर नेगेटिविटी आपको एक ढूंढोगे तो 100 मिल जाएगा, जो सही और प्रैक्टिकल बात। आप एक बार ईश्वर का स्मरण 24 घंटे, जब जब आपको समय मिले, दिन में जब भी हो, अपने इष्ट का नाम लेते रहे, आपके आसपास का वातावरण बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। आपके मुखाग्र से निकली बात कि जा यार आपका काम भैया ये हो जाएगा, तो वाकई में वो काम हो जाएगा। ये चीज़ घमंड करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं कि ये एक सिद्धि है, ये चीज़ें उन्हीं लोगों को मिलती है जो बिल्कुल निष्काम कर्मयोग, जिनको फल की चिंता नहीं है, वो केवल ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं। अब ये भी बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होता है कि भगवान का नाम लेने से होता क्या है, क्या नहीं होता क्या, ठीक है। इस दुनिया को चलाने वाली जो शक्ति है वो हर जगह मौजूद है, उसकी आँख कान, उसके आँख कान हर व्यक्ति के ऊपर लगे हुए हैं। ये कहना गलत है, जो होता है उसकी इच्छा से होता है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें, आपका कमेंट ज़रूर करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।